हेलो, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं MSB मोटो व्लॉग्स। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी एक्सपल्स 200 का टूरिंग मॉडिफिकेशन। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक मैंने अपनी बाइक में टॉप बॉक्स कैसे लगाया था और उसे ऐसे क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो आप बेस प्लेट देख रहे हो, ये हमने डायरेक्ट बाइक की ग्रैब रेल में लगा रखी है। और इसको लगाने के लिए हमने ग्रैब रेल में जो ये दो रबड़ के टुकड़े होते हैं इनको निकाला। इनके नीचे चार होल होते हैं नट वाले, तो उसी में हमने ये बेस प्लेट बैठा रखी है। वैसे तो बेस प्लेट के जो होल होते हैं वो इसके संग मैच नहीं हो रहे थे, तो हमने बेस प्लेट में दो एक्स्ट्रा होल बनाकर इसको जैसे तैसे इसमें बैठा रखी है। लेकिन इस बेस प्लेट के यहाँ पे लगाने में ना एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसकी सीट खोलते हैं तो इसकी सीट जो है बेस प्लेट में टकराती है। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सीट को दबा के निकालना पड़ता है और वो बेस प्लेट में रगड़ खाते हुए निकलती है। इससे क्या होता है कि सीट के फटने का डर रहेगा, तो मतलब ये उतना वो ठीक नहीं है। अब आप कहोगे कि ये बेस प्लेट को हम थोड़ा सा पीछे खिसका सकते थे, लेकिन एक्चुअली नहीं खिसका सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने जो बेस प्लेट है बहुत ज़्यादा पीछे खिसका के रखी हुई है। इसमें इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश थी नहीं, क्योंकि अगर हम इससे और ज़्यादा इसे पीछे करते तो फिर वो लगभग आधी से ज़्यादा बेस प्लेट हवा में ही लटके रह जाती। तो इसमें जितना हमसे हो सका उतने ज़्यादा हमने इसे पीछे रखी, फिर भी इसकी सीट इसमें टच होती है। तो मुझे इसमें बड़ा टॉप बॉक्स लगाना था, क्योंकि मेरे पुराने टॉप बॉक्स में मेरा बड़ा वाला हेलमेट नहीं आ पाता था GoPro के सेटअप के संग। और थोड़ा सामान वामान रखने के लिए भी मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा बड़ा टॉप बॉक्स लगाया जाए, तो उसके लिए मैंने ये नया टूरिंग सेटअप इसमें लगा रखा है। ये है इसके सैडल स्टे, ये है इसकी टॉप रैक पीछे, और ये इधर से। तो जो ये आप सैडल स्टे और टॉप रैक देख रहे हो, ये मंगाए हैं मैंने zanainternational.com से। बाकी ये जो ऊपर आप प्लेट देख रहे हो, ये मेरे टॉप बॉक्स की बेस प्लेट है। जो इसका टॉप रैक है वो कुछ इस तरह का दिखता है। बाकी ये जो सैडल स्टे और टॉप रैक है, इसको लगाना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। बस ये देखो, एक आपका यहाँ से जुड़ता है, ये यहाँ से सैडल स्टे में जुड़ता है, ये सैडल स्टे आपका इधर टॉप रैक में जुड़ जाता है, और ये टॉप रैक जो है यहाँ अंदर के नटों में जुड़े रहती है। इसके अलावा ये सैडल स्टे पीछे की तरफ से भी यहाँ से यहाँ जुड़ जाते हैं, और कुछ इस तरीके से ये लग कर आती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसकी जो ये सैडल स्ट है, ये इस साइड को बहुत ज़्यादा बाहर को है और इस साइड को कम बाहर को है। ये एक्चुअली इसके साइलेंसर की वजह से हो रखा है। अभी देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बाहर को किया हुआ है, जबकि ये इस साइड सिर्फ दो उंगली का गैप है यहाँ पे। तो ये कुछ थोड़ा सा देखने में पीछे से थोड़ा सा अजीब सी लग सकती है, इस साइड को बहुत अंदर को और इस साइड को बहुत बाहर को है। वैसे तो ना मैंने सोचा था कि इसमें केवल टॉप रैक लगाऊंगा और उसके ऊपर टॉप बॉक्स लगा दूंगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आई, जो इसके ये होल हैं, ये चार अंदर से इसके होल हैं टॉप रैक में, जो कि सीट के अंदर से लग जाएंगे, लेकिन इसके दो होल यहाँ पे और दो होल इस साइड से बाहर से भी थे, जो कि इसमें सैडल स्टे में ही अटैच होते। तो केवल अंदर के जो चार होल हैं उसके थ्रू ये जो टॉप रैक है बहुत अच्छे से नहीं बैठे रह सकती थी, क्योंकि ये जो टॉप रैक है ये भी काफ़ी भारी भरकम है और मज़बूत है। तो इसके लिए हमें यह बाहर से भी सपोर्ट देना ज़रूरी था, जिसके लिए कि मैंने फिर ये बाद में सैडल स्टे भी ऑर्डर करवाई। हालांकि वैसे तो सैडल स्टे साइड वाले बैग लगाने के लिए होता है, लेकिन इसमें साइड वाले बैग लगाने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बाहर को है। अगर हम जो इस साइड का बैग लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा बाहर को हो जाएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। तो इसमें मैं यूज़ तो अपना वही टेल बैग ही करूँगा, विया टेरा का क्लॉट टेल बैग आता है मेरा 64 लीटर का, वो मैं वही वाला यूज़ करूँगा, और बाकी पीछे एक बड़ा टॉप बॉक्स यूज़ करूँगा। बाकी यह है कि अगर मैंने ये सैडल स्टे नहीं भी लगाए थे तो भी मेरा वो जो बैग था लगभग 62 या 64 लीटर का है, तो वो मेरा साइलेंसर में तो टच नहीं करता था, पर हल्का हल्का इसके जो कवर है ऊपर से, इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टच करता था, जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था। तो अभी ये हो जाएगा कि अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा ये हो गया, तो वो साइलेंसर को नहीं छुएगा बैग। और दूसरा, ये सैडल स्टे काम आ सकते हैं मेरे अगर मैं यहाँ पे कोई बैग बैग वगैरह, मतलब टेल बैग के अलावा कोई और बैग रखता हूँ, तो उसको मैं यहाँ से यहाँ को बंजी कॉर्ड में बांध सकता हूँ। इसके अलावा एक कैमरे के लिए एक नया एंगल और मिल जाएगा, यहाँ की तरफ को कैमरा लगाया जा सकता है। तो सैडल स्टे का तो मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये मेन टॉप रैक की वजह से मुझे लेना ही पड़ा।
तो यार ये टॉप बॉक्स डलवा रखा है मैंने अपनी बाइक में, जो कि है ASG का। ASG स्टोर पे ये मिल जाता है, लेकिन ये टॉप बॉक्स ASG स्टोर पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, जिसकी वजह से ये मैंने फिर कहीं और से लिया ऑनलाइन। तो इसका बेसिकली मॉडल नंबर है SG45 और ये 45 लीटर का टॉप बॉक्स है, जो कि इस बाइक पर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इससे मुझे छोटा लेना चाहिए था। तो ये आप देख सकते हो, हमने इसकी बेस प्लेट को यहाँ पे ये नट के थ्रू इसमें लगा रखा है टॉप रैक में, और उसके ऊपर से लग जाता है ये टॉप बॉक्स। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इसका लॉक खुलता है और कैसे ये टॉप बॉक्स रैक में लगता है। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, देखो इसमें यहाँ पे ऊपर लॉक लिखा हुआ है, नीचे को ओपन। तो हमें ये चाबी इसमें डालनी है और घुमा देनी है, बस ये इसका लॉक खुल जाएगा। तो ये है ये, एक्चुअली मैं इसमें अभी सामान इसलिए भर के ला रखा हूँ क्योंकि मैं इसमें ट्राईपॉड वगैरह रख के लाया था, तो फिर सामान खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ करता है ना, इसीलिए मैंने इसमें एक चादर डाल ली ताकि सामान आवाज़ ना करे। और बाकी बंद करते वक्त हमें सिंपल इसे ऊपर ले जाना है पहले, फिर इसे नीचे की तरफ से दबाना है और चाबी को लॉक कर देना है, और ये लॉक हो गया। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसे बेस प्लेट में कैसे लगाना है और कैसे अनलॉक करना है। तो यार ये बेस प्लेट है टॉप बॉक्स की, इसमें लॉक करने का सिस्टम बड़ा ही ईजी है। आप ये देख सकते हो आगे से एक हल्की सी ये स्टिक जैसी दोनों साइड से उठी हुई है इसमें, ये यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो टॉप बॉक्स के नीचे दो होल जैसे दिए हुए हैं। तो ये टॉप बॉक्स के दोनों होल इन स्टिक्स में फंसेंगे और उसके बाद पीछे यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। जो बेस प्लेट की ये स्टिक है इसी में ये दो होल फंसेंगे और उसके बाद पीछे से ये यहाँ पर से टॉप बॉक्स लॉक हो जाएगा। और बाकी जब ये हमें बॉक्स इसमें से रिमूव करना है उस वक्त हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें सबसे पहले इसका ढक्कन वाला लॉक खोलना होगा, वैसे ही जैसे पहले खोला था, ये खुल गया। और अब जो ये इसके नीचे लाल वाला बटन हमें दिख रहा है, ये हमें पुश कर देना होगा। देखो ये बटन दिख रहा है, ये हमें पुश कर देना है। इसको पुश किया, ये देखो ये ऊपर को हो गया। अब हमें इसे उठा के सिंपली पीछे को खींच लेना है और ये बॉक्स रिमूव हो गया। उसके बाद इसका ये लॉक हमें वापस लगा देना है। तो बस इतना ही था इसमें, सिंपली इसको हमें जब लगाना है तो उस वक्त तो हमें ये डायरेक्टली लग जाएगा, लॉक हो जाएगा बेस प्लेट में, पर जब हमें रिमूव करना है उस वक्त हमें पहले इसका ढक्कन वाला लॉक खोलना होता है, फिर नीचे का बटन दबा के निकाल देना होता है। बाकी जो इसके अलावा ना, आप यहाँ पे ये दो होल देख रहे हो, यहाँ पर एक बैक रेस्ट लग जाती है जो कि पिलियन के बैठने के लिए पीछे सही रहता है, लेकिन मैंने नहीं लगा रखी है क्योंकि वो इसमें थोड़ा अटपटी सी लग रही है, और वैसे भी मेरी बैक रेस्ट इसमें पीछे बॉक्स के पीछे ऑलरेडी लगी हुई है। बाकी ये है यूट्यूब का लोगो, इधर अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है, ये मैं बाद में जाके लिखवा लाया था बाहर से। सही लग रहा है ना, बिल्कुल सही जगह पे लिखा है बीच में। तो भाई यही है टॉप बॉक्स इसमें लगा हुआ है, देख सकते हो आप। मेरे हिसाब से तो ये बाइक में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बाकी आपको अच्छा लगे तो आप लगवा सकते हो, वरना एक इसी का एक छोटा वर्जन आ जाता है जो कि है ASG का SG32, जो कि 32 लीटर का टॉप बॉक्स है। वो मेरे हिसाब से ना इसमें बिल्कुल परफेक्ट जचेगा, मतलब इसके साइज के हिसाब से भी बिल्कुल सही रहेगा, और उसमें आपका बड़ा हेलमेट भी आ जाएगा और एक्स्ट्रा सामान भी आ जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा ज़्यादा सामान आ जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी हम बहुत ज़्यादा भारी भरकम सामान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही टॉप बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, भारी भरकम सामान रखेंगे तो फिर इस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यार ये जो भी सैडल स्टे टॉप रैक का तामझाम है, ये सब मुझे मोनू सर ने लगा के दे दिया था, मोनू सागर टिप्स एंड ट्रिक्स वाले। तो एक्चुअली वो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी ऐसी कुछ दिन के लिए आए हुए थे, तो उस दिन जिस दिन मेरे को ये सामान लगवाना था उस दिन वो मेरे घर पर भी आए हुए थे, तो उन्होंने ही घर पर ही लगा के दे दिया था। एक्चुअली उनकी बाइक में इसकी एलन की वगैरह पड़ी हुई थी, तो ये सब हमने घर पर ही लगवा लिया था। बाकी अब हम आ जाते हैं इसके मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका सेंटर स्टैंड। तो यार ये देख पा रहे होगे आप, एक नीचे सेंटर स्टैंड लगा लिया है मैंने इसमें, एक्चुअली ये सेंटर स्टैंड इसका है नहीं। तो इसके नीचे हमने जो ये सेंटर स्टैंड लगवा रखा है, ये इस बाइक का नहीं है एक्चुअली, में यह है होंडा यूनिकॉर्न का, क्योंकि इसके नीचे जो स्टैंड लगवाने के लिए खांचे हैं उसमें एक्चुअली यही वाला स्टैंड फिट हो रहा था, तो ये होंडा यूनिकॉर्न का हमने इसमें लगवा रखा है। तो अब इस स्टैंड के संग प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये स्टैंड ना इसके लिए बहुत छोटा पड़ जा रहा था, मतलब
हवा में लटक रहा था, समझ रहे होगे, क्योंकि बाइक काफ़ी ऊंची है, स्टैंड उस हिसाब से इसके लिए छोटा पड़ जा रहा था। तो हमने ये स्टैंड इसमें फ़िट करवाया, उसके बाद हमने इसमें नीचे से थोड़ा जो इसका बेस होती है, नीचे सेंटर का जो बेस होता है उसके नीचे थोड़े और खूब सारे बेस लगा दिए ताकि थोड़ा सा सेंटर स्टैंड ऊँचा हो सके। ये देखो आप देख पा रहे होगे इसमें नीचे से काफ़ी बेस हमने बढ़ा रखा है इसका। तो नीचे से भी इसका बेस बढ़ाने के बाद भी जब मैं इसे फ्लैट ग्राउंड पे खड़ा कर रहा हूँ तो इसके दोनों टायर नीचे टच हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा। एक्चुअली मेन सेंटर स्टैंड लगवाने का जो मकसद था वो ये था कि कभी अगर टूरिंग में बाइक पंक्चर हो जाए तो हम इसे सेंटर स्टैंड में खड़ी कर सकें ताकि पंक्चर ठीक करवाने की गुंजाइश बनी रहे। एक्चुअली सेंटर स्टैंड नहीं होगा तो फिर टायर खोलने का या कुछ भी करने का कोई चांस बनेगा नहीं ना, तो इसीलिए सेंटर स्टैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी इसमें हमने थोड़ा सा और इसके लिए जुगाड़ करना पड़ा। एक्चुअली जैसे ये स्टैंड अभी ऐसे लगा हुआ है, पहले क्या हो रहा था जब हमने इसको लगाया था तो ये पूरा मतलब गाड़ी पीछे चली जा रही थी और जो स्टैंड है ये और आगे को आ जा रहा था, ऊपर को हो जा रहा था मतलब। तो हमने ये देखो ये यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक लेयर चढ़ा रखी है ताकि ये सेंटर स्टैंड सही जगह पर रुक सके। और बस बाकी नीचे ये थोड़ा बेस बढ़ा रखा है इसका, इस साइड से भी उस साइड से भी। तो फिलहाल के लिए ये हमारा काम चलाऊ स्टैंड हो गया है। बाकी अभी ये जो कस्टम कंपनियां वाले बनाते रहते हैं, जैसे जाना ने सैडल स्टे और टॉप रैक वगैरह बना रखा है, तो कोई और कंपनी भी अगर इसके लिए सेंटर स्टैंड जब बनाएगी तो वो प्रॉपर तरीके से बनाएगी, जो कि मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम ना हो और टायर जो है दोनों ज़मीन पे टच ना हो, एक उठा रहे, इस हिसाब से बनाएगी। तो जब कोई इसका प्रॉपर सेंटर स्टैंड आ जाएगा तो तब मैं प्रॉपर वाला लगवा लूँगा, फिलहाल ये काम चलाने के लिए ठीक है। बाकी इसके अलावा ये लगा रखी है मैंने इसमें ऑक्सिलरी लाइट, ये मैंने अमेज़ोन से ली थी, 9 LED वाली लाइट है, 30 वॉट की ये लाइट है, 15 वॉट का ये। और ये लगा रखा है मैंने देखो शॉकर्स के ठीक ऊपर यहाँ पर एक नट होता है, ये इसी में मैंने पीछे से एक प्लेट लगा रखी है, उसके ऊपर ये लगा रखी है लाइट्स। देखो ये प्लेट जैसी एक ऐसी मिल गई थी मुझे यहीं मैकेनिक के यहाँ लोकल, तो उसमें मैंने ये लगा रखी है, नहीं तो डायरेक्ट आप ये शॉकर्स वाले नट पे भी लगा सकते हो उसे यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से ना ये जो लाइट्स हैं ये ज़्यादा बेहतर वहाँ पर लगेंगी लेग गार्ड में। क्या हो रहा है कि लेग गार्ड पर अगर आप इसको लगाओगे यहाँ को और यहाँ को, तो थोड़ा सा लाइट और ज़्यादा फैल के आएगी। बाकी वैसे इधर भी अच्छी लग रही हैं कुछ ऐसे। बाकी एक बार मैंने इसका रात को टेस्ट किया था, एक बार वाली फुटेज भी देख लो। ऑलराइट, तो यार ये जो आप देख रहे हो ये बाइक की स्टॉक लाइट जली हुई है ये, और अब मैं स्विच ऑन करूँगा ऑक्सिलरी लाइट्स का, तो ये देख सकते हो ऑक्सिलरी लाइट से बड़ा फ़र्क पड़ जा रहा है इसमें। ये देखो ऑक्सिलरी लाइट्स अब मैं बंद करता हूँ, और ये इसकी हाई बीम है स्टॉक लाइट की। अच्छा हाई बीम ये है, ये लो बीम, हाई बीम और ये ऑक्सिलरी लाइट्स, और एक ये थोड़ा सा एक लोगो यूट्यूब का यहाँ भी लिखवा दिया था, और ये चैनल का नाम। तो फिलहाल गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है सारा सामान लगने के बाद। बाकी ये टॉप बॉक्स के अलावा मैं इसमें पीछे एक टेल बैग यूज़ करने वाला हूँ, साथ में आगे मेरा टैंक बैग लग जाता है। बाकी जो मेरे छोटे मोटे ट्रिप रहेंगे उसमें मेरा एक टॉप बॉक्स और टैंक बैग भी मैं पीछे ही लगा लिया करूँगा, बाकी ज़्यादा छोटे मोटे टूर में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उम्मीद है आपको इसका टूरिंग सेटअप पसंद आया होगा, बाकी अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो फिर देखेंगे। हाँ, मैंने इसका एक GPS माउंट मंगवा रखा है जो कि जल्दी आ जाएगा, वो लगाने के बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट ट्रिप में दिखा दूंगा। बाकी नेक्स्ट ट्रिप मेरी कब तक होगी क्या होगी अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, शायद जल्दी हो, 20 दिसंबर के बाद शायद मेरी ट्रिप हो सकती है, उसके बाद वीडियोज़ आएंगे। बाकी जो लोग पहली बार इस वीडियो के थ्रू मुझसे जुड़ रहे हैं वो जाके एक बार मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, खासकर नीति वैली वाली वीडियोस देख लेना, अगर अच्छे लगेंगे तो सब्सक्राइब कर जाना, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा जाना। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।